तो पॉर्न के रिलेटेड काफी ज्यादा स्कैम अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी काफी ज्यादा न्यूज ट्रेंड चल रहा है कि पॉर्न के चलते काफी ज्यादा स्कैम अभी इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में इस न्यूज को जो मैं कवर करने वाला हूँ, किस वजह से यह स्कैम देखने को मिलता है, क्योंकि पॉर्न के रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो मैं वीडियो बनाना पसंद करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप सभी का सेफ्टी जो है पहले आता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माइनर बच्चे होते हैं 18 साल 19 साल या फिर 18 साल से कम, जो कि इस स्कैम में फंस जाते हैं। इस वीडियो में उसी बच्चे को टारगेट कर रहा है, यह स्कैमर जो भी है इसी बच्चे को टारगेट कर रहा है। तो इस वीडियो में बताऊँगा, अगर आप भी देखते हैं या फिर अगर आपके आसपास कोई बच्चे वगैरह पॉर्न देखते हैं, तो आप उसे कैसे, मतलब आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो ये वीडियो देख ले तो उसे थोड़ा माइंड लग सकता है, और पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि पॉर्न वेबसाइट पर कोई गया पॉर्न देखने के लिए और किसी गलती के वजह से जो है इस चक्कर में फंस गया। अब मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि तो आप नहीं फंसेंगे, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि 18 साल है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं और जिसे टेक्नोलॉजी का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं इन सब चीज़ के बारे में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि स्कैमर जो है उन्हीं लोग को टारगेट करता है डायरेक्ट, क्योंकि उन लोगों को फंसाना आसान होता है जो भी, क्योंकि अब पॉर्न ऐसा चीज़ है, अगर आप एक बार नहीं मिले, अगर आप देखना शुरू कर दे तो आपको माइंड पर जो है काफ़ी ज़्यादा असर करता है। क्योंकि पॉर्न जो देखते हैं वो ज़्यादातर बच्चे देखते हैं, मैं बात करूँ 18 19 साल के जो स्कूल में पढ़ता है, मैं भी आसपास देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट किसी पर बोल नहीं रहा हूँ, मैं आसपास देख रहा हूँ काफ़ी सारा बच्चे वगैरह जो है पॉर्न देखते हैं, और आप कुछ बोल भी नहीं सकते इसके ऊपर क्योंकि आपको उल्टा जवाब दे देगा। तो वो सब देखते, क्योंकि उन सबको नॉलेज तो रहता नहीं और न्यू बार देखते हैं तो उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इस वजह से जो है वो सब जाल में ज़्यादातर फंसते हैं। अब देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आया है। न्यूज़ जो ये निकल के आ रहा है, अभी कोई बच्चे या फिर जिसे टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं वो गए पॉर्न वेबसाइट पर। अब पॉर्न वेबसाइट अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा पेड होता है, स्कैमर वाला था, जहाँ पर आपको कार्ड मांगा जाता है कि आप ये ATM कार्ड डाल दीजिए, पिन वगैरह OTP वगैरह डाल दीजिए। तो होता क्या है, जो भी बच्चे होते हैं वो अपना मम्मी पापा का जो ATM कार्ड जो है डाल देते हैं, वहाँ पर OTP डाल देते हैं, पिन भी डाल देते हैं। अब पीछे जो स्कैमर बैठ के वहाँ पर आपको OTP मिल गया, पिन मिल गया, और आपके पास जितना भी पैसा है वो सारा जो है क्लियर कर देते हैं आपके अकाउंट से। अब स्कैमर जो है इंडिया का भी नहीं है, जिससे होता क्या है, इंडिया में अगर आप पुलिस लाइन में कंप्लेन, साइबर में कंप्लेन भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री में, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो स्कैमर बैठ के जो ये सब काम करते हैं, रुपया तुरंत साफ कर दिया, और इंडियन पुलिस को इतना पावर भी नहीं है कि वो फॉरेन कंट्री से जाके आपका पैसा वापस करें। वही बार अगर हाई लेवल पर होता है तब जाके चांस है कि आपका पैसा वापस हो जाए, अगर आपके पास पावर वगैरह है तब हो सकता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल आदमी और थोड़ा मोड़ा जॉब करता है आपके मम्मी पापा या फिर आप, तो रुपया कम ही चांस है कि आपका फॉरन से देखने को मिल जाएगा आपके अकाउंट में। तो यही करता है, जो वेबसाइट जो है नकली बना हुआ रहता है, पॉर्न डाल देता है, और जब भी आप पॉर्न देखने जाते हैं तो वहाँ पर पॉपअप हो जाता है कि आप ATM कार्ड डाल दीजिए, तब आगे जो है आपको दिखाएगा इतना, मतलब 30-40 रुपया दिखाएगा, लेकिन अगर आप वही डाल देते हैं सब कुछ तो OTP वगैरह उसको मिल ही जाता है, तो एक झटका में जो आपका पैसा गुल हो जाता है अकाउंट से। तो यही हाल फिलहाल आपको आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और मैं अगर आप सब बच्चे ही हैं तो और वीडियो देख रहे हैं तो आप जो ATM वगैरह मत डालें, क्योंकि वो सब जो है फेक होता है, कोई भी रियल नहीं होता है। वहाँ पर आपका ATM कार्ड जैसे ही डालेंगे वहाँ पर सारा पैसा आपका गुल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यही न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो अगर आप पॉर्न देखते हैं तो हो सकता है आप इस जाल में फंस सकते हैं, तो सेफ्टी कर सकते हैं, क्योंकि स्कैम जो है अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पॉर्न इंडस्ट्री में भी हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा, अगर आप सभी को पसंद आता है तो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ सभी से एक नए वीडियो के साथ।